वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसीं वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, जिवें कि असीं सारे चाहुंदे आ कि परमात्मा साडे ते कृपा बनाई रखे ते साडी जिंदगी दे विच खुशहाली लैके आ जावे ते साडी जिंदगी दे विच कोई भी मुश्किल ना आवे। साडे अनेकां ही काम हन जिहड़े कि पूरे हुंदे रहने हन कि साडे घर पैसे की कमी भी ना रहे ते साडे घर दे विच कोई बीमारी भी ना आवे। सारे ही घर दे तंदुरुस्त रहन ते साडे कारोबार दे विच वाधा होवे ते असी इसलिए सवेरे उठ के रोजाना नहा धो के बाणी का जाप करते हैं, उस गुरु परमात्मा का नाम लैने ते असी हर वेले ही करते हाँ कि असी परमात्मा का शुकराना करते रहने कि तू सानू जो भी दिता है ये सब कुछ वधिया है ते इस तो वध देण दी कृपा करी ते बहुत ही मुश्किलां ते महंतां तो बाद सानू कई मकाम हासिल हुंदा है ते असी परमात्मा का शुक्र गुजार रहिंदे हां। ते मैं तुहानू गल दसन जा रहा हाँ कि जेकर तुसी हर समय अपने ते कृपा पाउणी चाहुंदे हो तां परमात्मा का नाम लैना पवेगा। सुखमनी साहिब दीआं कुछ पंक्तियां हन जिहड़ियां कि तुसी पढ़दे रहा करो। वैसे तो सुखमनी साहब का पाठ करते रहा करो ता जो तुहाडे घर दे विच कदे भी कोई कमी ना आवे ते जेकर तुसी पाठ करते हुए वाहिगुरू वाहिगुरू का नाम जपते हो तो तुहाडे घर दे विच कोई कमी नहीं आ सकती। प्रभ का सिमरन रिद सिद्ध नवनिध, प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। सुखमनी साहब जी दीआं ये दो पंक्तियां का जाप करते हैं हर समय अपना काम करते हुए तुहाडे घर दे विच कोई भी कमी नहीं आ सकती। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।